हेलो बेटा, आई होप इससे पहले कि आपने सारी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन की वीडियोस देख ली है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेरियस ऑफ फंक्शनल रूप से रिएक्ट कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब एक हम नया रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं NaBH4। ठीक है बेटा, अब ये NaBH4, ये इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है? बेटा ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज जब हमने देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, वहीं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसकी सिलेक्टिविटी क्या होती है बेटा, हाँ उसकी सिलेक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब पहले हम देखते हैं कि NaBH4 दिखता है कैसे, हम पहले रफली सारा डिस्कस करते हैं उसके बाद हम लिखेंगे, तो पहले सब कुछ सुनना उसके बाद लिखना है। ठीक है बेटा, अब पहला तो पॉइंट कि NaBH4 इसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो बेटा NaBH4 इस पहले अच्छे से लिखता हूं ऊपर की तरफ। अच्छा बेटा NaBH4 ये भी एक सिंपल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें क्या होगा बेटा, Na बाहर प्रेजेंट होगा, जो मेटल है वो कटायन के फॉर्म में बाहर प्रेजेंट होगा, जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे बी और ये आपका टेट्राहेड्रल यूनिट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे और बोरॉन पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटा, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट, या फिर आप उसको SbH भी लिखा होता कहीं कहीं जगह, बट आपको IIT JEE के अंदर और नीट के अंदर रिएक्शन में आपको NaBH4 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका कौन सा नाम लिखना चाहूं, एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IUPAC नेम्स होते हैं बेटा उसको हम लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कटायन का नाम लिखते हैं। बेटा कटायन कौन सा है यहाँ पे, Na पॉजिटिव। बेटा Na पॉजिटिव को हम क्या लिख देंगे, पहले कटायन का नाम मतलब सोडियम। ठीक है, अब सोडियम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कौन सा, बोरॉन, और सराउंडिंग एटम कौन सा, हाइड्रोजन। मतलब जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। तो जो हम लोग पहले इसका नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम लिखेंगे, कितने हाइड्रोजन बेटा, 1, 2, 3, 4, तो 4 के लिए वर्ड क्या आएगा, टेट्रा। कैसे बेटा, टेट्रा। अब हाइड्रोजन नहीं लिखना है, क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव स्फीयर है। और हमेशा रखना लिगैंड्स का नॉर्मली नाम नहीं लिखते, जब फ्लोराइड है तो उसको फ्लोरो बोलते हैं। ठीक है बेटा, साइनाइड का साइनिडो, इस तरीके से नाम होते हैं। वैसे ये हाइड्राइड है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्यार से हाइड्रिडो। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा हाइड्रिडो। इतना क्लियर है, टेट्रा हाइड्रिडो। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बोरॉन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फीयर में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम उसको सिंपली बोरॉन नहीं लिख सकते। जैसे हमने पहले देखा था जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमने एल्यूमिनियम नहीं लिखा था, हमने एल्यूमिनेट लिखा था, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मेटल के ऊपर जो सेंट्रल एटम है उस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रिडो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बो रेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है यहाँ पे 3। ठीक है बेटा, सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट 3, ये इसका क्या हो जाता है, दूसरा नाम हो जाता है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में आपको ये NaBH4 लिख के ही मिलेगा। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब इसकी रिएक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम क्यों है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, अब पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, ये NaBH4 ये भी क्या देने वाला है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो हमको हाइड्राइड आयन देता था, H नेगेटिव आयन। अब बेटा ये भी क्या हमको देता है, ये भी हमको क्या देता है, ये भी हमको देता है H नेगेटिव आयन, ये भी हमको H नेगेटिव आयन मतलब हाइड्राइड आयन ही देता है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका भी शक्ल बना ही लेते हैं अभी, लिथियम और ये इस तरीके से लिथियम LiAlH4, यहाँ पे H और H, इसमें भी क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी हमको क्या देता है, ये भी हमको H नेगेटिव आयन देता है। तो आप एक बात सोचोगे कि सर NaBH4 भी हमको H नेगेटिव आयन दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हमको H नेगेटिव आयन दे रहा है, तो दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंस कैसे हुई? आप बोल रहे हो कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ऐसा कैसे हो सकता है? बात समझो बेटा, अगर सपोज आपके पास एक बुलेट है, ठीक है, एक बुलेट है, उस बुलेट को आप अपने हाथ से फायर करो, किससे फायर करो, अपने हाथ से फायर करो, हाथ से फेंको। आप अपने फर्स्ट केस है जिसमें मैं बुलेट को अपने हाथ से फेंक रहा हूँ, और सेकेंड केस है जहां पे मैं बुलेट को एक गन से फेंक रहा हूँ, एक गन बना लेते हैं, गन बन गई गन। ठीक है, हम किससे फेंक रहे हैं, गन से फेंक रहे हैं, गन से फेंक नहीं रहे, फायर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा, दोनों केस में जा तो कौन रहा, निकल कौन रहा है, बुलेट निकल रही है,
बट क्या दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा? क्या नहीं सेम होगा? अगर साउथ की मूवी है तो सेम हो सकता है, साउथ में आपसे फेंको तब भी वो जाके मार देगा सामने वाले को, बट साउथ की मूवी नहीं है, साइंस में बिलीव रखो। जब आप हाथ से फेंकोगे और जब आप गन से वो बुलेट निकलेगी, दोनों की स्पीड क्या होगी डिफरेंट होगी, दोनों की रेट क्या होगी डिफरेंट होगी, दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा वो भी डिफरेंट होगा। वैसे ही बेटा यहां से जो एच नेगेटिव आयन निकलता है और यहां से जो एच नेगेटिव आयन निकलता है, दोनों की स्पीड में क्या होता है डिफरेंस होता है, दोनों की स्पीड डिफरेंस है, दोनों की रेट डिफरेंस, दोनों की इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, अब इम्पैक्ट डिफरेंट कैसे सर, रेट डिफरेंस कैसे, वो कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल बेटा, आप यहाँ पे देखो सेंटर में कौन बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखो बेटा सेंटर में कौन बैठा हुआ है, बोरॉन। बोरॉन और एल्यूमिनियम में ज्यादा मेटलिक कौन है, नीचे जरा बता। बोरॉन और एल्यूमिनियम में ज्यादा मेटलिक एल्यूमिनियम है। तो बेटा ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच में जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, मोर आयोनिक होता है। कैसा होता है बेटा, मोर आयोनिक इन नेचर। अब ये मोर आयोनिक होता है और ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होता है बेटा, ये होता है लेस आयोनिक होता है। अब आपको पता है मीडियम हम कौन सा यूज करते हैं, कोई तो मीडियम यूज करते हैं, तो जितना ज्यादा आयोनिक होता है बेटा उतना ज्यादा इसकी क्या होती है, एच नेगेटिव आयन को देने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। मतलब ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली एच नेगेटिव आयन दे सकता है, हाइड्राइड आयन। वेयर एज ये जो NaBH4 जो कि हमारा लेस आयोनिक होता है, वहां पे जो एच नेगेटिव निकलता है उसकी रेट क्या है। मतलब आप इसको इस तरीके समझ सकते हो कि ये बुलेट है जिसको हमने हाथ से फेंका हुआ है और ये बुलेट है जिसको हमने गन से फेंका हुआ है। अब बेटा गन से निकली बुलेट उसका इम्पैक्ट, उसकी रेट क्या होगी ज्यादा। वैसे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है मोर रिएक्टिव। ये क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव। और ये जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा लेस रिएक्टिव। समझ के बाद क्यों, क्योंकि देखो बेटा एच नेगेटिव तो मिल रहा है बट एच नेगेटिव कहां से आ रहा वो मैटर करता है। ठीक है बेटा, इट्स नॉट लाइक कि जो एंड में मिल रहा है उसको देखना है, आपको ये भी देखना है कि वो एच नेगेटिव कहां से आ रहा है। ठीक है बेटा, अब ये मोर रिएक्टिव ये लेस रिएक्टिव, आपको पता है NaLiH को सबको रिड्यूस कर देता है। ये आपका एल्डिहाइड हो, ये आपका कीटोन हो, ये आपका अमाइड हो, ये आपका एसिड हो, या फिर ये आपका एस्टर हो, ये आपका एसिड अनहाइड्राइड हो, एसिड क्लोराइड हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर एसिड ही हो, सबको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा है। और इस बाइसेप की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये सिर्फ 3 पर्टिकुलर ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप को, और वो है हमारा, एक है हमारा एल्डिहाइड, सेकेंड है हमारा कीटोन, और थर्ड है हमारा वो असाइल क्लोराइड। एक्स लिख दिया, जनरली आप इसको क्लोरीन मान के चले। ठीक है, असाइल क्लोराइड, एसीटोन और एल्डिहाइड, ये सिर्फ 3 लोगों को रिड्यूस कर सकता है, वेयर एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सबको रिड्यूस कर सकता है। अब आप समझना कि सर इस चीज का हम फायदा कैसे उठाएंगे, फायदा हम इस तरीके से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, हम लोग को इसकी जो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके हम लोग अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करो, अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो बेटा, किस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मेरे को आयरन मैन बहुत पसंद है, आयरन मैन ही क्या आयरन मैन हूँ पता नहीं। ठीक है, टोनी स्टार्क हमारा। ठीक है, अब टोनी स्टार्क जी जैसे उनकी जो फर्स्ट मूवी थी, देखो उसमें क्या होता है कि गंदा सा इंसान है ना, गंदा सा इंसान अपने गोदी में एक छोटे से बच्चे को लेके खड़ा होता है और उसको ऐसा हाथ में लटका के उसके ऊपर ऐसा बंदूक ऐसा तान के रखता है। ठीक है, अब भाई साहब हमारे आयरन मैन आप यहाँ पे आ जाते हैं, आयरन मैन बना हुआ है, इसको आयरन मैन कैसे देख रहा है, आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन कम हल्का दिख रहा है बट आयरन मैन है। ठीक है, अब आयरन मैन क्या करता है, देखता है यार बच्चे को बचाना है और यहाँ पे गंदा आदमी है। ठीक है, इसके सूट के अंदर 2 चीजें हैं, एक सूट के अंदर है बेटा एक छोटी सी माइक्रो बुलेट और साथ में है इसके पास एक बहुत बड़ी मिसाइल, बहुत बड़ी मिसाइल। 2 ऑप्शन है इसके पास, पहला एक बुलेट है और सेकंड क्या है, मिसाइल है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर हमको इस आयरन मैन को क्या करना है, इसको सिलेक्टिवली किसको मारना है, इसको सिलेक्टिवली मारना है इस गंदे इंसान को, और इस छोटे इंसान को क्या करना है, बचाना, मतलब बच्चे को बचाना, बड़े इंसान को क्या करना है, मारना है। मतलब उसको जो बुलेट इस्तेमाल करे या मिसाइल इस्तेमाल करे उसका टारगेट क्या है कि मुझे सिलेक्टिवली गंदे इंसान को मारना है और बच्चे को क्या करना है, बचाना है। तो वो आयरन मैन क्या करेगा, बोलेगा एक काम करता हूँ मैं चुपका से अपने सूट में से बुलेट निकालता हूँ, इसके खोपड़ी में घुसर देता हूँ, तो ये तो मर जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बट अगर बात समझो बेटा, अगर आयरन मैन के पास ये सब सेंस नहीं होता, वो क्या यूज करता, वो अपनी इतनी बड़ी वाली मिसाइल यूज करता, उसका मिसाइल का नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा नाम था, कमेंट करके बताना क्या नाम था। पार्ट 1 के अंदर वो जो मिसाइल है वो गुंडों को भेज देता है। ठीक है, अब ये मिसाइल
क्या करेगा, अगर वो मिसाइल यूज करेगा तो क्या होगा, बच्चा भी मर गया और ये भी मर गया। मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक कि यार आपने क्या किया, आपने उसको तो मारा, अच्छा काम किया, पर आपको जो बचाना था बच्चे को उसको तो बचा ही नहीं पाए। मतलब हमको सिलेक्टिवली क्या यूज करनी है, बुलेट यूज करनी है, मिसाइल यूज करनी नहीं है। बस इसी तरीके की चीजें हमारी केमिस्ट्री में भी होती है। किस तरीके से होती है बेटा, देखो रिएक्शन लिखते हैं और फिर इसको इस एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो बेटा कैसे, देखो सिंपल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप को मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप को मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ क्या करता हूं, रिड्यूस करता हूं। बट बात समझो पहले, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेरे को मेरी मम्मी ने दिया, बोला बेटा एक काम कर, जाके इसके अंदर स्पेसिफिकली इस ग्रुप को आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, और आप इस ग्रुप को क्या रहने दो, सेम रहने दो, मतलब इसको अनअफेक्टेड रहने दो, और इसको मेरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। आपको इसको रिड्यूस करना है और इसको क्या रखना है, सेम रखना है। अब मम्मी ने मेरे को क्या बोला कि बेटा मैं आपको दो चीज देती हूँ, मैं आपको देती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और मैं आपको साथ में देती हूँ NaBH4। अब हमने जितना नॉलेज है उनके हिसाब से, उसके हिसाब से NaBH4 कीटोन एल्डिहाइड और एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, वेयर एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस कर सकता है। तो देखो बेटा, अगर मैंने इसमें क्या एड किया, NaBH4, एक केस है जब मैंने इसमें NaBH4 एड किया, फिर मैंने उसमें H+ और वाटर डाल दिया, और एक केस है जब मैंने उसके अंदर क्या ऐड किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंडली उसको मैंने ट्रीट कर दिया H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस वाले केस में क्या होगा, NaBH4 सिंस इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम, तो ये सिर्फ रिड्यूस करेगा हमारे इस ग्रुप को, हमारे कीटोनिक ग्रुप को, और इसको टच वो नहीं करेगा। किस वाले केस में, NaBH4 वाले केस में, तो वो इसको तो रिड्यूस कर देगा और इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा वो अल्कोहल के अंदर, और जो साइड वाला ग्रुप है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। बट अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको मैं ट्रीट करवा देता, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इसको भी रिड्यूस कर देता और इसको भी रिड्यूस कर देता, और रिड्यूस करके बना देता RCHOH CH2 और ये आपका CH2OH। आपको पता है ना ये एस्टर को पहले कन्वर्ट करता है किसमें, हाँ वेरी गुड, एल्डिहाइड के अंदर, फिर एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल के अंदर। फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने देखा, मम्मी ने अगर ये देखा, मम्मी तो पैसे देगी, शाबाशी देगी भाई, मम्मी ने पर ये देख लिया, बोला बेटा तेको जितना काम करने को कहा था उतना ही करना था, तुमने दूसरा काम भी क्या कर दिया, कर दिया। इसलिए या ऐसे वाले केस में जहां हमको सिलेक्टिवली सिर्फ एक ग्रुप को रिड्यूस करना होता है और दूसरे ग्रुप को बचाना होता है, उस वाले केसेस में ऐसे रिएजेंट क्या होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज लाइक हल्क, उसको पता नहीं किसको मारना है, उसके सामने जो आएगा फोड़ फाड़ देगा। बट NaBH4 इज लाइक जो उसका अंदर ब्रूस होता है शायद से, उसके बाद दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, तो वो क्या करता है, वो सबको नहीं मारेगा, वो उसको ही मारेगा जिसको मारने की जरूरत है। वैसे NaBH4 क्या करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा और इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारा क्या था, थोड़ा सा रिकैप था, समरी थी। अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड को किस तरीके से रिड्यूस करता है। मैकेनिज्म सेम होने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे ही सेम मैकेनिज्म है, क्योंकि यहां पर भी H नेगेटिव मिलता है, वहां पर भी H नेगेटिव मिलेगा, ठीक है बेटा। बस आपको एक बात याद रखनी है, चलो मैं लिख के बताता हूँ सब कुछ और मैं लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। रेडिंग क्या रहेगी हमारी, सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4 बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, मजा आता है। जो बेटा हेडिंग क्या रही, हाँ NaBH4, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है बेटा, या फिर हम इसको SBH, MDH होता है ना वैसे, SBH। अगर मैंने ये लाइन क्लास में बोली होती तो बच्चे भी ऐसे तालियां बजाते हैं, पता है मेरे बच्चे, आई एम मिसिंग क्लास यार बहुत सारा। SBH, और इसका आप कॉम्प्लेक्स नाम भी लिख सकते हो, किस तरीके से, सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो, उसके बाद क्या, हाँ
बोरेट 3, ठीक है बेटा, सोडियम टेट्राहाइड्रेट ऑफ बोरेट 3। अब इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग यहां पे Na, सॉरी यार बी एच 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 टेट्राहेड्रल होता है, नेचर में नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और Na पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। ये भी क्या देता है, H नेगेटिव देता है, और हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, साथ ही साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या लिखना, इट गिव्स H नेगेटिव, यहां पे भी लिखना क्या, इट गिव्स H नेगेटिव, यहां पे लिखना क्या, मोर सॉरी लिखना, आपको पता है ये बॉन्ड क्या होता है, ये वाला जो पर्टिकुलर बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है बेटा, हाँ ये होता है हमारा लेस आयोनिक बी एच बॉन्ड, और आपको यहां पे लिखना है क्या, हाँ मोर आयोनिक एल एच बॉन्ड, यहां लिखना आपको ये क्या है हमारा लेस रिएक्टिव, और लिखना मोर सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब समझिए ना, मतलब सिलेक्टिवली एक को रिड्यूस करता है, सबको रिड्यूस नहीं करते घूमता, ये भाई साहब क्या हमारे, ये भाई साहब है हमारे मोर रिएक्टिव और लेस सिलेक्टिव, ठीक है बेटा, इतना और कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर रहा मैं, हाँ ठीक है, इतना लिख लो, फिर ये लिख जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको कुछ और लिखवाता हूँ, वो लिखना आपको जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, इतना लिख लिया, अब आपको क्या लिखना है, ये इसके नीचे कंटिन्यू में लिखना, हाँ क्या लिखेंगे कि NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली फ्यू फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड कीटो एंड असाइल क्लोराइड, लिख दो बेटा, क्या NaBH4 इज लेस रिएक्टिव, दस इट कैन सिलेक्टिवली रिड्यूस ओनली फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, लिख देना कौन कौन से बेटा, पहला आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड, सेकेंड आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, और थर्ड असाइल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, ये तीनों को रिड्यूस कर सकता है, और ये कैसे रिड्यूस करता है वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे कि NaBH4 क्या होता है ये तो देख लिया हमने, अब आप क्या करो एक जनरल रिएक्शन लिख लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो किस किस को रिड्यूस करता है, उसका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, तो अभी फिलहाल आप एक जनरल रिएक्शन लिख के ले लो कि ये किस में रिड्यूस करता है, कैसे करें, ठीक है जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूं आपको, तो बेटा बहुत सिंपल है, पहले आप क्या करोगे इस तरीके से, पहला R C डबल बॉन्ड O H, अगर हम इसको ट्रीट करें किसके साथ NaBH4, सेकेंडली इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पानी तो डालना ही पड़ता बेटा, बिना पानी के कुछ नहीं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये R CH2OH, सेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक अथवा मैकेनिज्म हम लोग कल से देखेंगे, फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं बस, ये किसमें रिड्यूस कर देगा, सेम लिखो NaBH4, फिर सेकेंड में हम ट्रीट करेंगे किसके साथ H+ वाटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHOH, और ये हमारा R, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और थर्ड आप इसको ट्रीट करवाना है किसके साथ
आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी एल, इसको ट्रीट करवाओ सी एम ई लिख देना, तो ये कन्वर्ट होगा पहले किसके अंदर, हाँ ये कन्वर्ट होगा पहले एल्डिहाइड के अंदर, फिर ये वापस से ट्रीट करो अब किसके साथ NaBH4 के साथ, तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर आर सी एच टू ओ एच के अंदर, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ये तीनों रिएक्शन आप नोट करो और हम कल से इनको डिटेल में देखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। करो बेटा, बेटा कोई डाउट होता है नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी बताओ।